लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। सरकार, स्कूल फंक्शन के बाद आप हवेली पर चल के आराम करेंगे सरकार। हाँ, और आपका भोजन भी वही होगा सरकार। जी हाँ, यहाँ जो भी बड़े आदमी पधारते हैं उनका स्वागत यहाँ के जमींदारी करते हैं। तेज सिंह जी, वेलकम वेलकम राम कुमार जी, वेलकम। इस छोटे से घर में इतने बड़े कलाकार का स्वागत करते हुए मैं अपने आप को बहुत खुश नसीब समझ रहा हूँ। यकीन मानिए, आज का दिन तुम्हें जिंदगी भर नहीं भूल सकता। पधारिए पधारिए, आइए। आपके तो नौकर चाकर भी इससे ज्यादा खूबसूरत मकानों में रहते होंगे। लेकिन इस पिछड़े इलाके के छोटे से गाँव में बस यही सबसे ज्यादा खूबसूरत मकान है। आइए मैं आपको अपने दोस्तों से मिलाता हूँ। ये है चौधरी हरभजन सिंह जी, बहुत बड़े जमींदार हैं। पूर्व में इनके 100 एकड़ चावलों के खेत हैं, पश्चिम में इनके 200 नारियल के पेड़ हैं और उत्तर में इनके आम का बागीचा है जिसमें सिर्फ 2000 पेड़ हैं। आइए इनसे मिलिए। ये है राय साहब केराशनाथ जी, दिल्ली में इनके डेयरी फार्म में 5000 भैंसे हैं और 500 गाय हैं। जी बब। आइए इनसे मिलिए। ये है श्री चमना प्रसाद जी, धनबाद में इनकी कोयले की कान है। और ये है दीवान लालचंद जी, जो के हीरों के व्यापारी हैं। आप क्या इन सबको जानते हैं? ठाकुर साहब, अपने मेहमान का यूं ही खड़े रहेंगे? क्षमा कीजिए, पधारिए पधारिए, आइए आइए बैठिए। थैंक यू। पहचाना मुझे? अब भी नहीं? देखो, गौर से देखो। पहचाना अब? राम, पेटूराम। यहां से कोई नहीं हिलेगा। हिलो मत। घबराओ नहीं तेज सिंह, मैं तुम्हारी चमड़ी नहीं उधेड़ूंगा, क्योंकि आज तुम्हें कमजोर पाकर अगर मैं भी तुम पे हाथ उठा दूं तो तुम में और मुझ में फर्क ही क्या रहेगा। उठो उठो। गोपी, ये रहे तुम्हारे वो 10 लाख। लाने को तो मैं बहुत ला सकता था, लेकिन बात इतने की ही तय हुई थी। ये लो, ये लो, और ये भी लो, पूरे 10 लाख। अब बुलाओ राधा को। मुंह से आवाज क्यों नहीं निकलती? मैं खुद ही बुलाता हूं। राधा, 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 राधा।
कहा है राधा? बोलते क्यों नहीं, कहा है राधा? अब तुम उसे कभी नहीं देख पाओगे। मतलब वो शादी करके अपने पति के घर चली गई है। झूठ बोलते हो तुम, भगते हो। राधा मेरे सिवा किसी के साथ शादी नहीं कर सकती। तुम मुझे धोखा देना चाहते हो? बताओ राधा कहाँ है? बताओ बताओ, वरना मैं तुम्हारा गला दबा दूंगा। बोलो बोलो राधा कहाँ है? सच्चा सर, राधा सर कुछ शादी करके चली गई। नहीं, ये नामुमकिन है। राधा ऐसा कभी नहीं कर सकती, मैं जानता हूं। तुम और तुम सब लोग मेरे गवाह थे। उस दिन भी मैंने कहा था, अपनी जबान से पलट मत जाना तुम लोग। लेकिन तुम लोगों की जबान क्या और ईमान क्या? तुम सब इस तेज सिंह की चापलूसी करने वाले घटिया लोग हो। कौन हो तुम? ये सब क्या है? मैं अलोक हूं, तुम्हारा पति अलोकनाथ। क्या पति? क्यों, भूल गए कि कल हमारी शादी हुई थी और मैंने तुम्हें ये मंगलसूत्र पहनाया था? ठाकुर साहब आपने तो कमाल कर दिया। अरे भाई, ये कमाल तो उस दवा का है जो मैंने राधा के दूध में मिला दी थी। उसके बाद उसे जो भी कहता गया वो मानती चली गई। कहा कि शादी का जोड़ा पहन लो, उसने वो जोड़ा पहन ली। कहा कि फेरे डाल लो, उसने फेरे डाल लिए। अब ये सारी हवेली, सारा मकान, सारी दौलत, सारी जायदाद, सब कुछ मेरा है, मेरा। क्या जायदाद के लिए तुमने मेरी शादी किसी और के साथ कर दी? अरे कमीने, जायदाद तो मैं तुम्हें यूं ही दे देती, लेकिन उसके लिए तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। ऐसा तुमने क्यों किया? क्यों किया? क्यों किया? अब किससे लड़ रही हो? ठाकुर साहब, आपकी बहन का कोई पेश तो ढीला नहीं है? अलोक बाबू, सोचा था शादी के बाद सब ठीक हो जाएगा, लेकिन लेकिन क्या बात, बहुत पुरानी है। हाँ, अगर आप राधा को ना बताएं तो एक सच बात बताऊं। फादर से ये है कि इसी गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम पेटूराम था। ना जाने राधा जैसी पढ़ी लिखी लड़की उसे कैसे जाने लगी कि इसने जिद ठान ली कि मैं शादी करूंगी तो उसी से करूंगी। ये जूते साफ किए तुमने? आप क्यों इस तरह से पेश आते हैं मुझसे? क्यों जरा जरा सी बात पर बिगड़ जाते हैं आप? आखिर मैंने किया क्या है? आखिर कहना क्या चाहती हो तुम? यही ना, जो सुना था वो झूठ था ही, जो देखा वो भी झूठ है। हाँ यही, मैं यही कहना चाहती हूँ कि तुम आंख और कान के बहुत कमजोर आदमी हो, और ऐसे कमजोर आदमी के साथ मेरा गुजारा नहीं हो सकता। तुम भले अपने आप को तसल्ली देते रहना कि तुमने मुझे इस घर से निकाल दिया, लेकिन मैं ये कहने आई हूँ कि आज मैं तुम्हें छोड़कर जा रही हूँ। बाकी जिंदगी मैं अपने पेट के बच्चे की खातिर झेलूंगी। यानी तुम्हारी तबाही की वजह भी मैं ही था? नहीं राम, ये सब किस्मत के खेल है, तुम अपना जी मत जलाओ। लड़का है या लड़की? लड़की। दादी माँ को छोटे बच्चे बहुत पसंद है, इसे देखकर वो बहुत खुश होगी। नहीं
अब मैं वहां किस हैसियत से जाऊंगी? मालकिन की हैसियत से। वो घर तुम्हारा है, तुम्हारे लिए तो मैंने वो घर बनवाया है। ये नहीं हो सकता है। ठीक है, इस मामले में मैं तुमसे फिर कभी बात करूंगा। इस वक्त मुझे एक बहुत ही जरूरी काम निपटाना है। तुम? आप? आप नहीं, तुम नहीं, मैं पेटूराम। वही पेटूराम जिसकी तुमने खाल उधेड़ दी थी और उसने तुम्हें हाथ तक नहीं लगाया था, लेकिन आज आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि तुमने राधा की जिंदगी खराब की है, उसे तबाह और बर्बाद कर दिया है तुमने। राधा कहाँ है? वो कहाँ है मेरी बहन? वो कहाँ है ये तुम्हें कभी पता नहीं चलेगा। तेज सिंह, वो ऊपर वाला राम न जाने कब तुम्हारे साथ इंसाफ करेगा, लेकिन ये नीचे वाला राम आज ही तुम्हारे साथ इंसाफ किए देता है। सिंह, ये जायदाद, ये हवेली और ये कपड़े तक तुम्हारे नहीं, राधा के हैं। इसलिए कल सुबह मैं तुम्हें वैसी ही चड्डी और कमीज में बाहर फेंकवा दूंगा जैसे एक दिन तुमने मुझे इस घर के बाहर फेंक दिया था। आ, 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 आ,